अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं 9 न्यूज़। मुझे कहते हैं गुलाम मुर्तज़ा भुट्टर। हमारे प्रोग्राम का नाम है पार्लियामेंट से पाकिस्तान। आज मेरे प्रोग्राम का मौजू है एजुकेशन, और ख़ास तौर पे आज हमारे प्रेस क्लब के अंदर एक अजीम शान प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसके अंदर जॉइंट एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में एक तारीख साज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि उनके स्कूल जो हैं जल्द जल्द खोल दी जाएं। इस टॉपिक के ऊपर, एक अहम टॉपिक के ऊपर मेरे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर चौधरी अब्दुल रशीद सेल साहब मौजूद हैं। चौधरी अब्दुल रशीद साहब इस वक्त बैक वक्त कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर हैं और डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस हैं। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब बहुत मेहरबानी कि आपने हमें टाइम दिया, ठीक है। चौधरी साहब मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 15 सितंबर को हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जो स्कूल और कॉलेजेस हैं खोले जाएंगे 8वीं क्लास से लेके और कॉलेजेस तक, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया हुआ, और साथ को इनकी एक मीटिंग भी एनसीए की होनी है दोबारा, जिसमें वो लाइमल जो है ना फाइनल उसमें तय करेंगे। सबसे जो अहम बात जो आज जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने की है कि जिस तरह ये पहले ऐलान किया गया पहली मीटिंग में कि 8वीं क्लास से कॉलेज तक जो है ना स्कूल खुले जाएंगे, दूसरी क्लासों को मरहलावार खोला जाएगा, यानी पहली से लेकर 7 तक। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ उनके साथ मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि 80% जिस तरह हमारी जो स्टाफ है या आबादी है उसमें मुनसर करती है, और प्राइवेट स्कूल्स पे जो छोटी क्लासेस होती हैं तो वो उनका मुतालबा सही है कि अगर जो क्लास का साइज़ भी एक पैरामीटर उसके तय कर दिए गए हैं कि हम 20 तक उसके साइज़ रखेंगे, एसओपी की भी बात की गई है, तो उनका यही मुतालबा है कि जुज़वी तौर पर ना खोले जाएँ, उसको हम मंजूर नहीं करेंगे कि बल्कि इसको एक ही मरहले में सारे पहली क्लास से कॉलेज तक खोले जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि ये मुतालबा जायज़ भी है कि अगर वो बच्चे, क्योंकि 6-7 माह से पहले ही फ़ारग बैठे हुए घरों में तंग हैं, फिर जो प्राइवेट एसोसिएशन है, स्कूल्स हैं, उनके जो मालकान हैं या ओनर्स हैं वो भी, उनके जो स्टाफ उनको तनख्वाह देने से कासर है, तो बच्चों के भी वालदेन भी फीसें भी नहीं दे रहे, इसी वजह से कम की हैं। तो मेरा ख्याल है ये कुछ सर्टन फैक्टर्स हैं, ख़ास तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उस भी उनकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग के लिए। ऑनलाइन क्लासेज तो शुरू हुई हैं कुछ जगहों पर, टीवी प्रोग्राम भी चल रहे हैं हमारे PTV का चैनल। तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेस्ट है कि हम इसको एक तरफ खोल दें, क्योंकि बच्चे भी तंग पड़ गए हैं अब घरों में रह रहे हैं, पेरेंट्स भी तंग आ गए हैं। पेरेंट्स वैसे तो अपना नहीं कर सकते इतना प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया पे दूसरे मीडियम के ज़रिए वो थोड़ा बहुत करते रहते हैं किताब से। जी अच्छा साहब, आप कह रही हैं कि स्कूल खोल दी जाएँ, आपको पता है कि कोरोना वायरस जो है एक ऐसी मौसम मर गया है जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट के अंदर लिया हुआ है, ठीक है। वो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, वो आपस में खेलेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे, तो उसकी वजह से उनके अंदर कोरोना फैल सकता है। तो हुकूमत ने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि उन स्कूलों को बंद किया और बच्चों को घर में तालीम दे रहे हैं, तो आप कहते हैं कि स्कूल खोल दीजिए। इसके आप क्या कहते हैं कि जितने भी सरकारी इदारे हैं या दूसरे तलीमी इदारे हैं, क्या वो SOPs को फॉलो करेंगे, SOPs के ऊपर अमल करेंगे, ये बता सकते हैं आप? SOP तो नहीं फॉलो हो रहे, आपने देखा होगा कि जिस तरह अभी पार्क्स खोल दिए हैं, अभी इन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, शादी हॉल भी खुल जाएंगे मेरा ख्याल, तो ये जितने बड़े होटल हैं वो भी खुल गए हैं। तो मैं देखता हूँ कि पार्क्स के अंदर भी जो मुख्तलिफ जगह है, प्ले ग्राउंड भी मेरा ख्याल खुल गए हैं अब, तो वहाँ पे बच्चों की ला तादाद होती है, कोई SOP को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। या जिस तरह हमने ट्रांसपोर्ट खोली थी उसमें भी कोई SOP मद्देनज़र नहीं रखा जाता। तो मेरा ख्याल है कि जो टीचर होते हैं वो मेरा ख्याल बेस्ट होते हैं फॉर डिसिप्लिन मेनटेन, उनकी तरबियत के लिए, उनकी रूहानी तरबियत के लिए, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए। तो मेरा ख्याल है कि जो टीचर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल भी करते हैं और उनको एक डिसिप्लिन भी सिखाते हैं, उनकी मॉरल और अखलाकी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बेहतर सरगर्मियाँ डिज़ाइन करते हैं जिसे बच्चे सीखते भी हैं, और अच्छा उसको मेंटेन करने में भी अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को जो है ना, बच्चे को के उस तरह कंट्रोल नहीं होते जिस तरह टीचर बच्चों को कंट्रोल करते हैं, ख़ासतौर पर जो छोटी एज के होते बच्चे होते हैं, जिस तरह 1ली से 8वीं तक या 10वीं तक, तो ये बड़े नाजुक भी होता है मरहला, बच्चों को संवारने में टीचर का बड़ा अहम रोल होता है। तो टीचर पढ़ा लिखा तबका होता है, तो ये मेरा ख्याल समझता है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ मायल किया जाए, जिस तरह होता है ना स्पोर्ट्स की तरफ इनका जेर बदला जाए थ्रू एजुकेशन थ्रू स्पोर्ट्स। तो मेरा ये बेस्ट होता है मानना, कि क्योंकि मैं एजुकेशन के मुख्तलिफ
जो होते हैं दो पेज जानता हूँ, जिसमें मैं फिज़िकल भी पढ़ाता हूँ, कम्युनिकेशन भी पढ़ाता हूँ और भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जो साहब प्राइवेट स्कूल ऑफ एजुकेशन की जो एक्शन कमेटी है उसने आज एक बहुत बड़ा एक कदम रख दिया है। उन्होंने कहा कि अगर 7 तारीख को हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो हम डी चौक इस्लामाबाद में, जितने सरकारी सतह के ऊपर हैं ठीक है, और दूसरा हम जितने भी सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो पार्लीमान हैं, जो उनके सूबाई हुकूमतें के जो इदारे हैं वहाँ पर जाकर हम एहतजाज करेंगे। इस हवाले से आप क्या कहती हैं? मेरा ख्याल है कि जिस तरह ये बात तो उनकी सही है कि ये अगर इनको इसी तरह 6-7 माह हो गए हैं, अगर ज़्यादा अरसा चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा इसमें फंस जाएंगे। एक तो माली तौर पर भी बुरहान का शिकार है, बहुत से प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद हो चुके हैं सैलरी न देने पर पे, और फिर उनका रेंट जिस तरह होता है स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का या बिल्डिंग का, तो मेरा ख्याल है कि वो कासर होंगे कुछ ना कुछ। साहब बच्चे जो हैं, बच्चों के जो वालदे हैं वो तो मुतालबा कर रहे हैं कि जी हमें, हमसे तो फीसें टीचर जो हैं पूरी ले रहे हैं, हमसे जितने भी उनके ओनर हैं उन्होंने फीसें पूरी ले ली हैं, हमें ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं जा रहा। आप कैसे कह सकते हैं कि उनके इतने अखराजात हैं, उनकी फीसें तो ले ली हैं उन्होंने? नहीं, वो ठीक बात है कि जिस तरह बच्चे की लर्निंग एक इंस्टीट्यूशन के अंदर होती है वो मैं समझता हूँ कि वो ऑनलाइन सिस्टम के अंदर नहीं हो रही। मैं क्योंकि खुद भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ अभी, तो बड़ी क्लासें भी होती हैं मेरे पास, तो वो मैं देखता हूँ कि वो जो फीडबैक बच्चे का होता है या जो टीचर उसको डेवलप करना चाहता है वो नहीं उनसे मिल रहा होता है। इसी वजह है कि बच्चे फीसें तो ली जाती हैं, बिल्कुल ली जा रही हैं, कुछ कम भी की हैं 80-20% तक। तो मेरा ख्याल है कि वो फिर ये है कि दूसरी चीज़ें जिस तरह इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से इनको स्टाफ को अभी फारग भी किया है, इसी दौरान सैलरी नहीं मिल रही, बंद भी हुए हैं, तो मेरा ख्याल है वो सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ख़ास तौर पर जो बच्चे के शुरू के होते हैं ग्रूमिंग के दिन, बच्चे की भी एक तो वो फिज़िकली एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, दूसरा जो उनका माली नुकसान होता है, इसी वजह से वो मुतालबात अपने भरपूर अंदाज से जो है ना। तो सर मैंने आज ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी प्राइवेट स्कूल ऑफ पाकिस्तान है इसको देखा, इसके अंदर सारे ही मसूफ थे, इनके साथ कोई एक मसूबा भी नहीं थी ठीक है, सामने जो स्टेज के ऊपर जितने भी बंदे बैठे हुए थे कोई एक नहीं थी। आपको पता है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके अंदर अगर हम उन सब का डाटा निकालें, एनालिसिस करें, तो उनमें 90% जो हैं वो ख़वातीन पढ़ाती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि यह ख़वातीन थी या कि फिर ये मालकान थे जो यहाँ पर एहतियात करने के लिए आए थे? ये इसमें कुछ मालकान भी थे, कुछ जो स्कूल्स के हेड होते हैं वो भी थे, जो एसोसिएशन इनकी बनी है उनके मुतमिज़मीन थे। तो मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जिस तरह बिल्कुल आपने बजा कहा कि जो जितनी छोटी क्लासें होती हैं प्रेप से लेकर या पहली से लेकर 8वीं तक या 6ठी तक, तो सारा फीमेल स्टाफ होता है प्राइवेट स्कूल के अंदर मोस्टली, और इवन के जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं उसके अंदर भी, पब्लिक स्कूल के अंदर भी जो है ना जो छोटी क्लासें उनमें फ़ीमेल स्टाफ होता है। तो मेरा ख्याल है कि फ़ीमेल को नुमाइंदगी भी होनी चाहिए थी, जो उन्होंने उसको इतना आगे नहीं, मे भी हो सकता है उनकी कुछ कंस्ट्रेंट्स हों कि साहब दुनिया के अंदर जिस कौम ने भी तरक्की की है, जिसने भी तरक्की की है उनके साथ ख़वातीन शाना बशाना खड़ी हुई हैं तो वो तरक्की याफ्ता कौम बनी है। आप कहते हैं कि वो 20-25 लाख की मिट्टी बन के तो आगे थे लेकिन ख़वातीन तो थी नहीं, इससे तो साफ ज़ाहिर होता था कि उनके कोई खास मुतालबात हैं, वो मालकान हैं, उनके मुतालबात हैं कि उनको बच्चे आएँ और वो अपना निज़ाम चलाएँ। और ये भी उनके बारे में कहा जाता है कि जितने भी ये साझा कराम है इस तरह ये जो मालकान हैं ये करते हैं जनाब, लेते 30,000 रुपये हैं ठीक है जी, हुकूमत को दिखाते हैं कि इन लोगों ने 30,000 रुपये दे दिए, पे कर दिए, लेकिन उन टीचर्स बेचारों को 15,000 रुपये देते हैं, 15,000 ये अपनी पॉकेट में डालते हैं और हुकूमत को दिखाने के लिए कि जी हमने 30,000 रुपये दिए है। इस हवाले से आप जो सब क्या करेंगे? ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि जिसमें मेरा भी एक्सपीरियंस गुजरा है प्राइवेट सेक्टर के अंदर एफिलिएशन के सिलसिले में एज ए फिजिकल डायरेक्टर, तो मैंने बोर्ड की एफिलिएशन कराई मुख्तलिफ स्कूल कॉलेज की एज ए डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, तो उन्होंने भी मुझे जो थी वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पर उसी दिन के लिए पैसे तो दिए हैं, बाद में उन्होंने मुझे ना तो उन्होंने अडक्ट किया, अंदर ऐड किया हमारे अपने स्टाफ के अंदर, वो मेरी पे स्लिप भी बना दी उन्होंने, सारा कुछ कर दिया दिखाने के लिए ऑफिशियल्स को बोर्ड के। तो बाद में ये चीज़ें हो रही हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये एक फ्लॉ है, मिस्टेक है, और इसमें करप्शन भी है ये समझ लेंगे, टीचर के लिए करप्शन होती है कि उस दिन के लिए बुला लिए, पैसे दे दिए 4-5 हज़ार, उसके बाद पूरा साल ही नहीं पूछा, जब कोई विज़िट होता तो बुला लेते हैं, तो ये बड़ा निगलेक्टेड एरिया है, इसको किया गया है, ये गवर्नमेंट को भी चाहिए ख़ास तौर पर जो बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं जब इनकी जो इनको फ्लीशन देते हैं इदारों को, तो उनको चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए इस खास तौर मामले में। अच्छा साहब उस्ताद कहते हैं किसी भी कौम को तहजीब सिखाने का जो है ना अलमबरदार होता है ठीक है, और अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम 15 तारीख के बाद हम डी चौक चले जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे,
क्या इससे मेरी मुल्क पाकिस्तान के नौजवान जो हैं और जो बच्चे हैं उनका क्या फ़ायदा होगा मुझे एहतजाज करने से, ये आप बता दें। नहीं, ये तो एक उन्होंने सिम्बॉलिक बात की है कि एक प्रेशर डालने के लिए, जो अभी इनका फाइनल एनसीए का जो मीटिंग होनी है जिसमें फ़ाइनल उन्होंने ऐलान करना है कि ये 15 सितंबर से जो है ना इंस्टीट्यूशन जो है ना प्राइवेट या गवर्नमेंट सतह पर खुल जाएंगे, तो उनका यही था कि ये जो है ना पहली क्लास है उसको भी शामिल किया जाए अंदर, इसीलिए उन्होंने एक अलामती तौर पर उन्होंने कहा है, ज़रूर कहा है कि हम धरना देंगे अगर ये छोटी क्लासें ना खुली एक से सातवीं तक। जी साहब, सारे फहरिस्त उनके मुतालबात क्या हैं ये बता दें आप। उसमें ये एक तो था कि ये जो है ना पहली क्लास से लेकर जो है ना कॉलेज तक और जुज़वी तौर पर ना खोला जाए, एक मरहले में सारे स्कूल इंस्टीट्यूशन सेक्टर के खोले जाए, खा वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के हों। और दूसरा पे ये था कि इनका जो ये था कि इनके जो मुख्तलिफ जो है ना टैक्स के मामले भी थे स्कूलों के इंस्टीट्यूशन के, उनको थोड़ा रिलीफ दिया जाए, एक साल के लिए माफ़ कर दिए जाए, उसमें अगले साल लिए जाएँ। फिर जिसरा बिल की बात की है उन्होंने मुख्तलिफ, उसमें और भी चीज़ें हैं, यूटी बिल की है उसको मौखर किया जाए, उसकी अदायगियों को वो बाद में लिए जाए जब एक प्रॉपर फंक्शनल हालत में इंस्टीट्यूशन आ जाए। फिर टैक्सल एक साल के लिए सूचना दी जाए उसको। फिर उसमें यह है कि जो सख्त एसओपी है उसको थोड़ा सा नरम करने की उन्होंने ये भी बात की है कि थोड़ा सा बहुत ही सख्त एसओपी हैं, जिस तरह गवर्नमेंट लेवल पर भी उसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, फंड ही नहीं है। मसलन ये आपके सैनिटाइज़र है या आपके दूसरे साबुन की कमोडिटी है या आप उसको मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो या क्लासों का साइज़ उन्होंने क्योंकि कम किया, अभी 20 तक लिमिट रखी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं होता प्राइवेट के लिए, ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ही क्लासें जिस तरह होती हैं बड़ी साइज़ कर देते हैं पैसे के लिए या स्टाफ कम के लिए, क्योंकि अगर छोटी क्लासें रखेंगे तो स्टाफ आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए ये इनके सरफरिस्त मुतालबात है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इनके जो साजा क्रम के मुतालबात हैं उनको मानेगी, ठीक है, जो जायज़ मुतालबात हैं, और इंशाल्लाह जल्द उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कोई भी इस तरह का हंगामा नहीं होगा। और इंशाल्लाह मुझे और चौधरी साहब को दीजिएगा इजाज़त, आपका, मेरा और पूरे पाकिस्तान का अल्लाह नेकबान। थैंक यू चौधरी साहब। थैंक यू।